हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आज हम 11th का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड। अब ये जो चैप्टर है ये आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, बट स्कूल एग्जाम में आता है। अब चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब ऐसा है कि लगभग मान लो कि आप आधे घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं स्कूल एग्ज़ाम में, और कुछ स्कूल में ऐसा है कि भाई उसमें से साइंटिस्ट के बारे में या रिसर्च के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि हाँ ये वाला रिसर्च किस साइंटिस्ट ने किया, ऐसा वाला पार्ट, बट लेस देन 5%, ठीक है। मेनली आता है फोर्स के बारे में, चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, और चैप्टर इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता होगा कि 11th 12th में हम सारी फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब आगे जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ सकते हो उसकी सारी झलक जो है आपको 11th 12th में देखने को मिल जाती है। लेकिन कितना पढ़ते हैं उसका सिर्फ समझो कि शुरुआत पढ़ते हैं, ठीक है, स्टिल इतना आसान भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसका 11th की शुरुआत जो है, शुरू के 2-3 महीने अच्छे से फाउंडेशन जो इसका बेसिक है वो जब तक नहीं पढ़ोगे, शुरू की जो तीन चार चैप्टर्स है अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल टूल्स, वो सब चीज़ें जब तक आप नहीं पढ़ोगे चीज़ें दिक्कत देंगी। तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, बेसिक फिजिक्स आप डालोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, चाहे वो लॉग हो, चाहे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो, ग्राफ के बारे में हो, ठीक है, या फिर बेसिक यूनिट सिस्टम के बारे में हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में हमको फिजिक्स की इंट्रोडक्शन मिल जाएगी कि फिजिक्स क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, कौन से हमको 11th में, कौन से हमको 12th में पढ़ने हैं। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक, व्हाट इज फिजिक्स। ये शुरू करें इससे पहले हम ये समझ लेते कि साइंस क्या होता है। साइंस एक लैटिन शब्द से आया है साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी अबाउट द नॉलेज, ओके। ये जो संस्कृत का एक शब्द है विज्ञान, जिसको हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं, ओके, अरबिक वर्ड है इल्म, इन सब का मतलब भी क्या है, नॉलेज। तो साइंस इज ऑल अबाउट नोइंग अबाउट द फैक्ट्स। अब सर इसके ब्रांचेस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स है वहाँ पर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इज अबाउट केमिकल्स, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में, ओके। सो फिजिक्स आ गया यहाँ पर। फिजिक्स, ये देखो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, अब जिसको प्रोनाउंस किया जाता है फिजिस, ठीक है, इससे एक शब्द आया फ्यूजेस, जिससे बना फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो इस जो भी शब्द है इसका मतलब है नेचर या नेचुरल थिंग्स, और मोर स्पेसिफिक इफ यू गो नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है, मतलब नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, मेरी साउंड का आप तक पहुँचना, ठीक है, ये लाइट जो आसपास दिख रही है इसका ग्लो होना, ठीक है, ये कैमरा जो आपको कंटेंट पहुँचा रहा है, या जो मैं ये लिख रहा हूँ ये आप तक जो कंटेंट जा रहा है, ये सब चीज़ें जा रही है, ये सब हो रही है फिजिक्स की बदौलत, ठीक है। हवाएं चलती हैं, ठीक है, इसके बाद प्लैनेट्स सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, ये सब फिनोमेनास क्या हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, ओके। इसके बाद या इनका एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स के थ्रू मिलेगा, कैसे ये करेंट आप तक ये इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद संस्कृत से, संस्कृत में जो टर्म है इसके लिए भौतिकी, जिसका मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स आर डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि जो चीज़ स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं होती वो जो एवर चेंजिंग चीज़ है वो फिजिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बात को आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए ये बात हमेशा ऐसी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट, देखो ये बात ध्यान रखना कि फिजिक्स जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, मतलब नेचर में जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, चाहे एप्पल का फॉल होना हो या फिर करंट का फ्लो होना हो, ओके, विंड ब्लो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं, ऑब्जर्वेशन से, प्लैनेट्स रिवॉल्व करें अराउंड द सन, तो नेचर जो भी चीज़ हमको ऑब्जर्व करा रहा है
हम उसके हिसाब से हम किताबें बना रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमको किताबें जो फिजिक्स की बुक्स है वो सब कहीं आसमान से टपकी है, सब हमने ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमने उसको क्रिएट किया। साइंटिस्ट ने लॉज प्रिंसिपल जो बनाए वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। कल को अगर जाके कोई चीज़ अगर बदल जाए, ठीक है, हर चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, कल को जाके अगर रिपेल होने लगे तो नई फिजिक्स बन जाएगी, ठीक है, नए रूल्स बन जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे ग्रेविटेशन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो प्लूटो है, ठीक है, काफ़ी समय तक उसको प्लैनेट माना गया और एक दिन अचानक से कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला कि वो एक प्लैनेट नहीं है, दैट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बदल सकती हैं या बदल जाती हैं। तो फिजिक्स में कोई चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो, ऑब्जर्वेशन से कुछ और पॉइंट बता देता हूँ आपको कि फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन तो होता ही है, अब इससे आता है कि आप उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, यानी एनालिसिस, और कुछ आता है कैलकुलेशन, और जब कैलकुलेशन आती है तो उसके बाद आ जाता है एक्यूरेसी। तो ये सब बुनियाद है, फाउंडेशन है फिजिक्स की। तो धीरे धीरे हम यही चीज़ें सीखते जाएंगे, इलेवेंथ से अब हमको अच्छी सी इसकी शुरुआत मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट थिंग्स आर कॉन्स्टेंट हियर, इट मे चेंज, देर इज अ पॉसिबिलिटी। और इसके साथ साथ अब एक और बात यहाँ पर क्या है कि मैथमेटिक्स का फिजिक्स में क्या रोल है। तो याद रखना कि मैथमेटिक्स ये वो भाषा है जिससे हम फिजिक्स डिलीवर कर सकते हैं। मतलब जब आपको कोई फॉर्मूला डिराइव करना है या आपको कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है तो ये सब चीज़ें बिना कैलकुलेशन के, बिना आपको मैथ्स यूज़ किए ये नहीं हो पाएंगी। तो बिना मैथ्स के फिजिक्स कुछ नहीं है। तो हम सोचते थे कि भाई मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसे सवाल आते हैं, खासकर उनको जिनको थोड़ा टफ लगता है भाई। तो मैथ्स जो है जब हम उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ सिचुएशंस में, दैट बिकम्स फिजिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स इज बेसिकली फिजिक्स, ठीक है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी चीज़ें, वो सब अब आपको यूज होने वाली है इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ पर आप ज़्यादा थियरी से कई ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। और ये डरा नहीं रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू के वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। अगर ये चीज़ होती गई तो आपका जो आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, ब्रांचेस इन फिजिक्स। तो यहाँ पर जो इसके ब्रांचेस है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स, जो मैं ले आऊँगा। क्लासिकल फिजिक्स यानी जो पहले ही डेवलप हो गई, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि पिछली सेंचुरी में जो डेवलप हो गई। तो मतलब ये कौन सी वाली फिजिक्स डेवलप हुई होगी, जो मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक यानी जो फाइनाइट साइज, बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार का मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मोशन, प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना, तो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स, फ्लूइड्स का मोशन, ये सब चीज़ें क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। चार्ज, मैग्नेट, ये सब क्लासिकल, जो पहले डेवलप हो गई, जो मैक्रोस्कोपिक थी, बड़े साइज की, ठीक है। तो इसमें कौन से पार्ट्स या ब्रांचेस हैं फिजिक्स में क्लासिकल के अंडर, तो ये आते हैं इसके अंदर मैकेनिक्स, इसमें आता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसमें आता है ऑप्टिक्स, ठीक है। सो मैं अगर सिंपल टर्म में अगर लिखना चाहूँ, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट हीटिंग, हीट इंजन के बारे में या हीट के बारे में पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में मेनली हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मोशन के अलावा मशीन, ठीक है, मशीन के अंदर का मोशन, बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ इसके अंडर, ठीक है, जैसे फ्लूइड्स का के बारे में, ठीक है, साउंड के बारे में, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, ठीक है, क्योंकि वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम मैकेनिक से पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जो भी चीज़ आपने सुनी हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, वो सब चीज़ें मैकेनिक्स में आएंगी। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पर हीट इंजन के बारे में, ठीक है, या तो रेफ्रिजरेटर के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यहाँ पर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे,
करंट के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी अबाउट चार्ज एंड मैग्नेट, ठीक है, या मैग्नेटिज्म। इसके बाद ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर लाइट आ गया तो रिफ्लेक्शन हो गया आपका, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, डिस्पर्जन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मिरर, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, इसमें से हमको ये याद रखना, मैक्सिमम जो 11th में पढ़ना है वो मैकेनिक्स है, कह सकते हो 90% जो हमको 11th में चीज़ें पढ़नी है, 11th में 90% मैकेनिक्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पार्ट 11th में है अबाउट थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थियरी, ठीक है, तो यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा ही ले लो आप, 11th में आपको मैकेनिक्स ही पढ़ना है समझो, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स भी हमको 11th में ही है। इसके बाद ये जो दो है, दिस इज इन 12th स्टैंडर्ड, ओके। तो अब देखो, मैंने ये बताया क्लासिकल फिजिक्स यानी फाइनाइट साइज, माइक्रोस्कोपिक बड़े साइज की, क्लासिकल शब्द का मतलब है जो पहले, क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, जो पुरानी, जो पहले के ज़माने से जो हमको सीखने को मिली, ठीक है, जो रिसर्चेस बाद में हुए, जो बहुत छोटे एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऑब्वियसली वो पहले के ज़माने में उतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ठीक है, उतनी माइक्रोस्कोपी नहीं थी, जब माइक्रोस्कोपी आई तब आ गया मॉडर्न फिजिक्स, यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जो एटम्स और न्यूक्लियर, एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पर डील कर सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना कि क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पर चीज़ें वैसी ही नहीं होती जैसी वहाँ क्लासिकल में होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक बुलेट के मोशन की, एक बुलेट मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसका जो मोशन है उसमें डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो ये कंसेप्ट जो है ये मैकेनिक्स के अंडर नहीं आता, ठीक है, क्लासिकल के अंडर नहीं आता। तो यानी जो मोशन बुलेट का है वो सेम मोशन इलेक्ट्रॉन के लिए हम इम्प्लाई नहीं कर सकते, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्लासिकल फिजिक्स के कंटेक्स्ट हैं जो क्वांटम, ये इस मॉडर्न फिजिक्स वाले में या एटॉमिक और न्यूक्लियर वाले में वैसे ही नहीं फिट होते, तो इसके लिए हमको क्वांटम फिजिक्स नहीं बनानी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, यस, इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है वो कई सब्जेक्ट से जुड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स का केमिस्ट्री से कनेक्शन है। अगर मान लो कि हमको कैटलिस्ट पता है, कोई एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए यूज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है कैसे किसी रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसको स्पीड अप करता है या स्लो डाउन, जो भी करता है, तो यहाँ पर वो सरफेस के बारे में हमको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली फिजिक्स है, दैट कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के अंदर का फिजिक्स, ठीक है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़ा है। मैथ्स का तो हमने देखा है कि भाई मैथ्स के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स ऑल्सो। एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स का मोशन, ठीक है, सोलार मोशन, जो भी चीज़ें हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजी के अंदर का केमिस्ट्री होता है, देखो बायोलॉजी के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर भी केमिस्ट्री आई गई, बेसिकली केमिस्ट्री से जुड़ा है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजी या जियो केमिस्ट्री, अर्थ से जुड़ा हुआ जो भी है केमिस्ट्री से जुड़ा है, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स से कनेक्टेड है, ओके। तो ऐसे लगभग मतलब कई सारे जो साइंस के पार्ट्स हैं वो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। इसके बाद यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा और डेप्थ बताता है आपको फिजिक्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज यूनिफिकेशन, देख लो यहां पर, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, इसको कनेक्ट करो, डाइवर्स फिनोमेना यानी डिफरेंट फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट और लॉज, मतलब एक ही रूल अलग अलग फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाए, मतलब अलग अलग फिनोमिनाज को एक सिंगल रूल या सिंगल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करा पाना।
जैसे कि अर्थ की तरफ हर चीज अट्रैक्ट होती है ना, सन के अराउंड में अर्थ रिवॉल्व करता है, ओके। इसके बाद अलग अलग प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और मतलब कई सारे आप फिनोमिनास को जोड़ सकते हो एक कॉमन चीज़ से जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो यानी कि अलग अलग फिनोमिनास को जो हमने कंबाइन करके एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिडक्शनिज्म, कि डिफरेंट डाइवर्स फिनोमिनास को एक कॉमन कंटेक्स्ट से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, आइजैक न्यूटन वाला तो बताया मैंने ग्रेविटेशन का, एक और देख लो, हैंस ओर्स्टेड का और माइकल फैराडे का, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी टेंथ में पढ़ा है, हैंस ओर्स्टेड का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ये बताया गया था कि एक वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। माइकल फैराडे ने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें ये बताया था कि अगर आप एक कॉइल ले रहे हो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे उस कॉइल में करंट जनरेट हो सकता है। तो यानी करंट से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से करंट, यानी करंट मतलब बेसिकली चार्ज का मोशन, यानी क्या है, चार्ज और मैग्नेटिज्म जो है वो जुड़े टर्म है, जुड़े कंटेक्स्ट है, और ये यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है, दोनों अलग अलग का, अलग अलग जो ब्रांचेस है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते थे, चार्ज के बारे में और मैग्नेट के बारे में, पहले ये दो डिफरेंट ब्रांचेस थे, जब ये पता चला तो कंबाइन हो गया। अब इसको और ज़्यादा यूनिफिकेशन कब मिला, जब मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने चार इक्वेशंस दिए जिससे चार्ज के बारे में, चार्ज और मैग्नेट ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो रेडिएशन, जो लाइट की हम बात करते हैं, विजिबल इनविजिबल, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आता है, तो ये चार्ज और मैग्नेट के कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसका हिस्सा है, ये मैक्सवेल ने बताया अपने चार इक्वेशन से, आगे भी दिए हुए हैं, ज़्यादा डेप्थ है, वो आपको आगे सीखने को मिल सकते हैं, ठीक है, नॉट नाउ। अब इसके बाद ये तो हो गया यूनिफिकेशन, अलग अलग फिनोमिनास को, सॉरी, अलग अलग जो जो नेचर में जो अलग अलग प्रोसेस है, फिनोमिनास है, उनको एक कॉमन रूल से, एक सिंगल रूल से एक्सप्लेन करना। अब इसी चीज़ का काफ़ी साइंटिस्ट लोग कोशिश करते, मतलब काफ़ी साइंटिस्ट लोग अभी भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, मतलब नेचर में ऑलमोस्ट जितने फिनोमिनाज है सबको एक ही फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर दिया जा सके, दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन। इसके बाद रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म का मतलब है कि इसका थोड़ा मतलब यूनिफिकेशन से कह सकते हो थोड़ा अपोजिट साइड वाला, कि यहाँ पर क्या करते हैं कि बड़े ओवरऑल एक होलिस्टिक कंसेप्ट को, ठीक है, समझने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे प्रोसेस को समझना, छोटे छोटे इवेंट्स को समझना, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये डेफिनेशन थोड़ा गलत है, ठीक है, एक्चुअली यही आ गया इसमें। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो थर्मोडाइनामिक्स है, थर्मोडाइनामिक्स बताया हमने, लेंथ पढ़ना है हमको, तो यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट इंजन, वो सब चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स का एक बात याद रखना कि ये एक बल्क प्रोसेस है, बल्क स्टडी है, मतलब जहाँ पर हम सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी नहीं करते, हम ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि हाँ, एक समझो कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर गैस रखा है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, वो सब चीज़ें हम वहाँ पर स्टडी करते हैं, पर उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी, अब देखो ये होलिस्टिक चीज़ है, एक बल्क मैटर है, अब इसके अंदर भी जो उसका एक एक, अब टेम्परेचर जो है वो उसका समझो कि 80 डिग्री सेल्सियस है, तो कैसे आएगा, वो आएगा उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन से, कि वो मॉलिक्यूल कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, जितना ज़्यादा वो मूव करेगा, जितना स्पीड से वो मूव करेगा, उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब कि भले ही हम इसको ओवरऑल पढ़ रहे थे, एक बड़े होलिस्टिक लेवल पे पढ़ रहे थे, इसके टेम्परेचर प्रेशर के बारे में समझना था हमको, लेकिन वो समझने के लिए भी आगे जाके हमको उसके टेम्परेचर को जानना है तो उसके काइनेटिक एनर्जी को समझना पड़ेगा, यानी ओवरऑल प्रोसेस को समझने के लिए उसकी बारीकी को समझना होगा, उसके बारीकी को हमको स्टडी करना होगा, दैट इज़ रिडक्शनिज्म, ठीक है। एक बड़े न्यूमेरिकल, मैकेनिक्स का एक बड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स जोड़े हैं, मोमेंटम, एनर्जी एंड ऑल, सब जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं
तो उसके एक एक पार्ट को, एक एक कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रिडक्शनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब साइंटिस्ट और उनके रिसर्च, ठीक है, साइंटिस्ट और उनके रिसर्च, तो ये जो है ये वाला पार्ट आपको बस कैसा है कि आप देख लो, आपको जितना पहले का नॉलेज है उससे आप इसको रिलेट कर लो, और भी थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि कौन सा कंट्री से ज़्यादा साइंटिस्ट है वो सब देख सकते हो आप। ठीक है, और जो भी आपको पता, जैसे आर्किमिडीज का बायंसी वाला प्रिंसिपल, ठीक है, लिवरेज जो मैकेनिक्स के अंदर आता है, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये वाला आपको ट्वेल्थ में आएगा, आइजैक न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये वाला आएगा ट्वेल्थ में। तो आपको मतलब जितने आप इसमें से रिलेट कर सकते हो, जे जे थॉम्सन का इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो आप देख सकते हो, इंडिया से कौन से साइंटिस्ट है वो वाला अच्छे से देख लो। तो जिन स्कूल में आता है लेस देन 5% उनके लिए भाई थोड़ा ज़रूरी है, आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या टेक्स्ट बुक में है आप उसमें से देख लेना। ठीक है, सिर्फ यही नहीं और भी जितने हैं उसमें आपको जो समझ में आ रहा है उतना देख लो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यस, ये भी एक पार्ट है जिसमें अलग अलग फिनोमेनाज, अलग अलग टेक्नोलॉजी में कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है वो वाला। ठीक है, जैसे कि स्टीम इंजन, ये जुड़ा है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, दैट इज, दैट कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। इसके अलावा टीवी और रेडियो में जो सिग्नलिंग होती है, जैसे मान लो कि कोई स्टार प्लस या सोनी कोई चैनल है तो उनके स्टेशन से वो लोगों ने सिग्नल सेंड किया, सो दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो ट्रेवल कर रहा है वेव, ठीक है, एयर से या जहाँ से भी, तो वो हो गया प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे एंटीना कैप्चर करते हैं वो हो गया डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर या जो भी रोबोट्स, उसमें क्या लगा है, डिजिटल लॉजिक है। ठीक है, तो लेजर्स, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी आप देख लो, उसके बाद इनको मोस्टली आप बहुत सारे फिनोमेना को आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ये तो नाइन्थ में पढ़ा था आपने, सोनार, साउंड नेविगेशन, रेंजिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, सो देर आर मेनी फिनोमेना विच हैव कनेक्शन विद द टेक, मतलब ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी फिजिकल फिनोमेना से ही जुड़ी हुई है। ओके, तो ये देख लेना आप। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको एग्जाम में आती है वो ये है, यस, द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा इनका डिटेल। फिलहाल जितने भी फोर्सेस होते हैं जो भी आपने अब तक पढ़े वो सब इन्हीं चार फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अच्छा हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इससे वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, देखो 100 गुना वीक है, इससे वीक है वीक न्यूक्लियर, बहुत ही ज़्यादा वीक कंपेयर टू दिस। ठीक है, मतलब यू आर मोस्टली कंपेयरिंग, सब ये सब इलेक्ट्रो न्यूक्लियर से ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से ही कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके 100 गुना कम, इससे 10^-13 टाइम्स, और इससे ये 10^-39 टाइम्स, सबसे वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट अगर हम रेंज की बात करें तो इन दोनों का, यानी ग्रेविटेशनल का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज जो है वो इन्फिनाइट है। मतलब कि आप ग्रेविटेशन वाले में, हम जैसे हम कितनी भी दूर चले जाएं अर्थ से, मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर हम हाइट पे जाते हैं तब भी हम उसको, हमको अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है, या हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत दूर से भी एक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ इन्फिनाइट रेंज है उसका। जबकि वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का रेंज बहुत कम है, देख सकते हो, न्यूक्लियर नाम नहीं लगा है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो गैप है 10^-15 मीटर, 10^-16 मीटर के रेंज में ही एक्ट करता है, उससे अगर थोड़ा भी बड़ा 10^-14 भी हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, ये 10^-15 भी हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए। अब ये कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है वो देख लो। अब जैसे कि हमको ये ग्रेविटेशनल तो पता ही है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, इनके बीच में डिस्टेंस है d, सो द फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देयरफॉर f इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लग गया m1 m2 बाय d स्क्वायर, कांस्टेंट इज 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है ऑलरेडी, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको।
ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे, बस ये समझ लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट्स है अगर उनमें मासेस है तो ये चीज़ ऑब्वियसली अराइज करेगी। और ये याद रखना कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशन में रिपल्शन नहीं होता, इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की, ये भी आप थोड़ा सा वाकिफ हो ये बता दूँ, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पे आऊँगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्जेस की वजह से अराइज होता है। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये न्यूक्लियॉन्स के अंदर होता है। जैसे एक सिंपल सी बात कि मान लो कि न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो अब ये भी तो है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्ज है, रिपेल कर रहा होगा, फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर चिपका हुआ है, बना हुआ है, कैसे, व्हाई डोंट दे रिपेल ईच अदर, क्यों नहीं वो कोलैप्स हो जाए, तो उसका रीज़न है कि उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है उनको अट्रैक्ट करने में, एंड विच इज़ दैट फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जिससे कि सारे न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी उनके बीच में जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स वो उतना ही है जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, बट वो बंधे हुए क्यों हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको जोड़ रहा है, ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब यहाँ पर जो बचा है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का ऐसे समझ लो पहले तो ये है कि ये रीसेंट डिस्कवरीज हैं, तो इनके बारे में बहुत डिटेल आपको किताब में दी नहीं है, ठीक है, और ना ही हमको 11th 12th में पढ़ना है उतना, बट फिर भी बेसिक जो हमको 12th में थोड़ा बहुत आएगा, मतलब जो हम वहाँ सीख लेंगे एडिशनली, वो देख लो कि रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जैसे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा जैसे रेडिएशंस निकलते हैं, तो जैसे बीटा जो है बीटा एमिशन हो रहा है मान लो, तो बीटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होता है न्यूक्लियस में से, ठीक है, तुम बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ठीक है, वो सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ब्रेक होके ये सब फॉर्म कर सकता है, तो बीटा एमिशन जब हो रहा है तो उसके साथ में एक और चीज़ निकलती है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ एक और चीज़ निकलती है न्यूट्रिनो, और ये जो न्यूट्रिनो है, ठीक है, ये जब साथ में वहाँ पर थे तो ये इंट्रैक्ट होकर जब निकले हैं अपनी एनर्जी को शेयर करते हुए निकले हैं, तो दे बेसिकली हैव एक्सपीरियंस्ड दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव होता है, ठीक है, इसका जो डिटेल्स है वो आपको अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, ओके, एंड तो यहाँ पर हम देख लिया ये सब चीज़ें। अब एक और चीज़ जो आपने कई सारे फोर्सेस पढ़े होंगे जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर का फोर्स या फोर्स ऑफ टेंशन। सर फोर्स ऑफ टेंशन क्या होता है, मान लो कि ये एक धागा है जिससे हमने एक मास को ऑब्जेक्ट एक मास को हमने हैंग कर रखा है, तो ये वेट डाउनवर्ड्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, मान लो 2 kg, तो इसको बैलेंस कर रहा है, ये धागा जो है इसको रोक रहा है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर आपस में कुछ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो भी है, तो वो उससे अराइज हुआ ये फोर्स ऑफ टेंशन। तो चाहे वो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो चाहे फोर्स ऑफ टेंशन हो, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, शुरुआत कहाँ से, बेसिक क्या है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मतलब हर चीज़ हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, सो वो सब चीज़ें अराइज कराती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो फर्दर टेंशन बन जाए तो या नॉर्मल फोर्स हो जाए तो, नॉर्मल फोर्स मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पे तो वो डाउनवर्ड जो है वेट एग्जर्ट करता है, और डाउनवर्ड सरफेस जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करता है। ये सब हम शुरू के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये सब फोर्सेज जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, दैट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड फाइनली जो हमको यहाँ पर चैप्टर के अंदर चीज़ देखनी है वो है कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, कुछ स्कूल में आता है ये भी। सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर दोनों। मास के बारे में, कोई भी चीज़ को हम ऐसे नॉर्मली क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है
तो ऐसा थोड़ी कि आप गोल्ड क्रिएट कर दोगे उसमें, एक 10 एटम यहाँ से जाएगा रिएक्टेंट, तब यहाँ से 10 एटम निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इन अ क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, दूसरा एनर्जी का भी ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अबाउट द चार्ज, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मान लो कि हमने ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क क्लोथ के ऊपर, सिल्क के कपड़े पे रब कर दिया, तो रब करने से क्या हुआ, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आया बस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, हम कहेंगे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बेसिकली बस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ, कोई चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद मोमेंटम वाला, ये भी हमने कोलिजन वाले में पढ़ा है, 9th में 11th में भी आएगा कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती है, ठीक है, कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। देखो यहां पर द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी आइसोलेटेड सिस्टम हो, कोई बॉडीज कोलाइड कर रही है, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और फाइनली वही चीज़ अप्लाई करते हैं रोटेशनल के लिए, तो ये लीनियर मोमेंटम बन जाता है एंगुलर मोमेंटम और ये फोर्स बन जाता है टॉर्क। सर इसका कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में 11th में ही। ठीक है गाइस, ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि सर हमको अब ये वाले टाइम को कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको कहा कि शुरू के 4-5 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, तो अभी समय है तो उसको अच्छे से पढ़ो। चैप्टर्स का मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो क्रिएट किया जाएगा। बाकी आप कुछ और चीज़ें हैं तो कमेंट सेक्शन बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, और प्रिपेयर करते रहो। चलो बाय बाय।